तो वही खरीफ सीजन के पहले मौसम विभाग के पुनर्अनुमान ने छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद जिले के किसानों के चेहरे पर खुशी लाई है, लेकिन अब बारिश की आंख बिचौली ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिले में पूर्व कम बारिश के कारण फसल जहां सूखने के कगार पर है, वही जिले के 128 छोटे बड़े बांधों में भी सिंचाई के लिए पानी की कमी है। महासमुंद जिले में 2,40,000 हेक्टेयर में धान उत्पादन का लक्ष्य 38% धान की उपाई हो पाई है। जिले में एक लेकर अब में 506.8 मिमी बारिश हुई है, जबकि पिछले साल 738.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बारिश की वजह से किसानों के खेतों में दरार पड़ गई है और धान की फसल पी रही है। पानी कमी के कारण किसान वासी और निदाई नहीं कर पा रहे हैं और फसल उत्पादन से जो आय होती है उसका घर चलता है। 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। जिले के 58% कृषि भूमि सिंचित है, यानी कि आसमान के पानी पर निर्भर है। जनप्रतिनिधि भी पानी की कमी को स्वीकार करते हुए खंड साल पर नजर बनाए हुए हैं और किसानों को सरकार से मुआवजे और राहत दिलवाने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में बारिश नहीं हुई है ज्यादा, इसकी वजह से किसान की कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ती जा रही है। फसल सूखते जा रहे हैं और जिसकी वजह से किसान बेहद ज्यादा परेशान है। है सर कि हमारे गांव में पानी का बहुत समस्या है, खेत अभी तक बियासी नहीं हुआ है और बहुत दरार पड़ रहे हैं, और खातु कचरा शासन से जो सोसाइटी से लिए हैं उसमें बहुत दिक्कत आएगा और हम लोग को बहुत परेशानी होगा, उसी में हमारा जीवन चलता है, हमारे बाल बच्चा भरोसा रहता है। भैया अभी तो ये स्थिति है कि मई के महीने में इतना पानी गिर गया जिसके कारण जो खुर्रा बोनी बोते थे धान की उसमें दिक्कत आई, वो पूरा खराब हो गया, फिर दोबारा बोनी की गई और उसमें अब पानी फिर बंद हो गया लगातार। हमको इसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और अभी समय है अभी उनके प्रति उनका सोच, उनको कोई तकलीफ ना हो, ये हर नीति में